हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 9:15 बजे मार्केट जब स्टार्ट होती है तो ट्रेड करें या ना करें, और ट्रेड करें तो कैसे करें। देखिए, मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपने इंट्राडे की जो है स्ट्रेटजीज काफ़ी बताई हैं। इंट्राडे में कौन कौन से टाइम फ्रेम्स पे हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो भी बताया है, लेकिन 9:15 बजे जब मार्केट खुलती है तो 9:15 बजे मार्केट जब खुलते के साथ ही अगर हम ट्रेड को कैसे फाइंड करें। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये ट्रेडिंग लैब का चैनल है और इस पर हम जो है रेगुलरली इंट्राडे में 1 से 2 कॉल्स दे रहे हैं। आप हमारी परफॉर्मेंस जो है इंट्राडे में देख सकते हैं। और देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि इंट्राडे में कंसिस्टेंटली हम आपको आधे से 1% की मूव जो है पर स्टॉक डेली दे रहे हैं। इंट्राडे में दोस्तों आधे से 1% की मूव जो है, 1% तक की मूव बहुत अच्छी मूव मानी जाती है अगर कंसिस्टेंटली आप डेली दे रहे हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे थर्सडे की जो है परफॉर्मेंस देख सकते हैं। हमने BEML दिया था 1115 पे और हमने प्रॉफिट बुक कराया, देखिए 1139 तक BEML चला गया था। उसके बाद देखिए, जस्ट डायल दिया था, लेकिन जस्ट डायल देखिए 458 पे हमने दिया। उसके बाद 460 मार्केट बेरिश हो गई थी, निफ्टी काफी बेरिश हो गया था, तो 450 459 पे हमने 1 रुपया ऊपर एग्जिट करवा दिया था। उससे पहले आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं जिसमें कि ICIL के बारे में हमने जो है दी थी कॉल। उससे पहले ग्रैन्यूल्स दी थी, ग्रैन्यूल 110 पे, देखिए ग्रैन्यूल्स हमने 109.60 पे दी और 111 विदिन जो है, ये आप लगा लीजिए कि विदिन 15 मिनट जो है आपको 1% की मूव देता है। चेन्नई पेट्रो इतनी बढ़िया ट्रेड था, सेंचुरी टेक्सटाइल। तो आप इसको हमारी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस अपने ट्रेडिंग लैब चैनल का लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, आप चाहें तो उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि 9:15 बजे अगर मार्केट खुलती है, जैसे ही मार्केट खुलती है, तो क्या क्या सिनेरियोज रहते हैं, क्या क्या सिनेरियोज देखिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से मार्केट में देखे हैं, वो सारे सिनेरियोज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज ये होती है, जब भी मार्केट खुलती है तो जब भी मार्केट ओपन होगी तो सबसे पहला जो सिनेरियो बनता है वो बनता है दोस्तों गैप अप और गैप डाउन का। निफ्टी जो है कई बार ऐसा होता है कि निफ्टी जो है 50 पॉइंट जो है गैप अप खुला या 60-70 पॉइंट गैप अप खुला, उससे एक दिन पहले मार्केट आवर्स के बाद कोई अनाउंसमेंट आई थी उसकी वजह से हुआ, या फिर निफ्टी जो है गैप डाउन खुला, मान लीजिए 50-60 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है। तो उस सिनेरियोज में दोस्तों ये होता है कि आपको जो है उस सिनेरियो में वेट एंड वॉच करना पड़ता है। आपको 15 मिनट जो है निफ्टी को सेटल होने के देने पड़ते हैं जब भी निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुलता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अगर निफ्टी का चार्ट देखें, निफ्टी जब गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे 10365 था और निफ्टी गैप डाउन होके 10341, ये इतना ज्यादा गैप डाउन नहीं था, लेकिन आपके पास कोई जो इमीडिएट या सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती है। जब भी निफ्टी गैप अप होता है तो आपको ये देखना पड़ता है कि क्या निफ्टी गैप अप होने के बाद सस्टेन कर रहा है अपने लेवल को या नहीं, या वो उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। ये दोस्तों आपको कैंडलस्टिक के एनालिसिस से आएगा। अगर आप कैंडलस्टिक का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बेसिक कैंडलस्टिक के एनालिसिस, बेसिक कैंडलस्टिक के पैटर्न्स, सारा कुछ मैंने अपने वीडियोस में बताया है। तो ये मैंने आपको देखिए, यहाँ पे आप जब भी गैप डाउन खुलता है तो आपको एक हायर टाइम फ्रेम पे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, उस पर जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, वो उस लेवल को सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उस लेवल उस गैप को फिल करेगा या नहीं करेगा। तो पहला सिनेरियो दोस्तों ये होता है। तो 9:15 बजे आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है कि लिख लीजिए, पॉइंट्स बना सकते हैं तो पॉइंट्स बना लीजिए कहीं पे इसको। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो एक नोटिस बोर्ड अपने सामने लगा लीजिए, एक एक क्लिप बोर्ड अपने सामने लगा लीजिए जिसमें कि आप क्लिप कर सकें जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं डेली आपको देखने हैं। तो उससे दोस्तों ये होता है कि आप डेली उन पॉइंट्स को आपके सामने लगे रहेंगे, आप डेली उन पॉइंट्स को देखेंगे तो आप आपकी हैबिट में आ जाएगा वो। और दोस्तों ट्रेडिंग जो होती है वो एक हैबिट हैबिट से आती है, एक हैबिट बनानी पड़ती है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। तो आप सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि निफ्टी गैप अप है या गैप डाउन है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि जो भी, मान लीजिए आप एनएससी की साइट पे चले जाइए, एनएससी इंडिया की साइट पे चले जाइए,
उसके बाद आपको दोस्तों इसकी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो चेक करनी है। ये 1 से 1.5 मिनट के बाद अपडेट हो जाती है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो। आप चाहें तो ट्रेडर्स कॉकपिट की साइट का भी मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप ट्रेडर्स कॉकपिट की साइट का लिंक भी चेक कर सकते हैं कि वहां पे देखिए, वहां पे भी एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अंदाजन 1 मिनट के आसपास, यानी देखिए 9:15 तक अपडेट हो जाती है, 9:16 तक अपडेट हो जाती है 1-1.5 मिनट के आसपास। तो आपको एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो चेक करनी है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है, इससे आपको एक आइडिया मिलता है कि पहली चीज निफ्टी गैप अप है या गैप डाउन है, उसके बाद निफ्टी गैप अप होके उस लेवल को सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, उसमें एडवांस टू डिक्लाइन की कुछ वैल्यूज होती हैं। ये वाली वैल्यूज मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी आपको बताई है दोस्तों। ये मैं बार बार अपने पुराने वीडियोज का इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि सब चीजें लिंक होती हैं, सब चीजें लिंक्ड हैं। कोई एक वीडियो के माध्यम से, कोई एक वीडियो देख के आप फुल टाइम ट्रेडर या आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे सीखना है। सब 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 ट्रेडर्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो देखिए यहाँ पे आप जैसा कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बंद हुई, तो आप देख पा रहे हैं 402 और 1083, इनका टोटल जो है अंदाजन 1400 के आसपास बनता है। और इसमें देखिए जब मार्केट बेरिश होती है, मैं आपको मोटे तौर पर बता देता हूँ, मार्केट बेरिश होगी तो अंदाजन 700, मतलब यहाँ पे भी 700 दिखेगा आपको, यहाँ 800-900 दिख सकता है, या यहाँ 800-900 और यहाँ 700 दिख सकता है। आप चाहें तो मैं इसकी वैल्यूज पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको बना के दे दूंगा एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की वैल्यूज पे, और किन किन इंट्राडे में टाइम में ये चीज अप्लाई होती है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए, अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ये वीडियो भी बना दूंगा। तो इसमें ये आपको एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखना पड़ेगा कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की वैल्यूज क्या हैं, उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि निफ्टी जो है आज गैप अप या गैप डाउन को सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज दोस्तों ये होती है कि आपको एटलीस्ट, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हैं, तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स निफ्टी के ओपनिंग पे वेट करना चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही 9:15 बजे मार्केट खुलती है, तो 9:15 बजे मार्केट में इतने सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। देखिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, और जो भी आपकी जो प्री मार्केट में 9 से 9:15, 9 से 9:07 बजे तक, 9 बजे से 9:07 बजे तक जो भी ऑर्डर्स डलते हैं प्री मार्केट में, वो भी पंच होते हैं, वो भी पड़े होते हैं क्यू में। और 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन होती है, तो पूरे दिन का जो मार्केट का ट्रेंड है या फिर आज निफ्टी क्या ट्रेंड कैच करेगा, वो 9:15 बजे आप बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जज करना, क्योंकि 15 मिनट में ही सारा खेल पलट जाता है। यानी जब जब वो सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, वॉलेटिलिटी जो इतनी आती है हाई, और इतनी ज्यादा मोमेंटम आता है ट्रेड्स में, वो सारा कुछ जो है वो सारा कुछ सेटल हो जाता है, वो 9:30 से 9:45 के बीच में सेटलमेंट होती है निफ्टी की। तो आप अगर जो है एक सेफ ट्रेडर के रूप में चलना चाहते हैं, तो आप जो है वेट कीजिए, 9:30 तक वेट कीजिए। सबसे पहले निफ्टी खुलता है तो गैप अप गैप डाउन चेक कर लीजिए, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो चेक कर लीजिए, और आप ये देख सकते हैं कि कोई पिछले दिन एक अच्छा इम्पीटस आया है, कोई एक अच्छी अनाउंसमेंट आई है, तो उसके बेसिस पे आप निफ्टी का ट्रेंड जज कर सकते हैं। या मैंने आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स फाइंड करने की टेक्निक अपने पिछले वीडियोस में बताई थी, आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, आप ये देखिए ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं, और आप चार्ट पैटर्न्स देख सकते हैं, आप जो करेक्शन, देखिए 1 दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, इसमें मैंने आपको बताया था। आप ये वीडियोस मेरे पुराने सारे देखिए, उसके बाद आप जो है आप जज कर पाएंगे कि सारी चीजें कनेक्टेड कैसे हैं। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न्स, निफ्टी का ट्रेंड, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाचीज, ये सारे कनेक्टेड कैसे हैं, ये आप जज कर पाएंगे। तो आप देखिए 9:30 से 9:45 तक मार्केट को सेटल होने का टाइम दीजिए, उसके बाद जो है आप अपनी स्टॉक की फिल्टरिंग स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था 8:34 का क्रॉसओवर बताया था, 8:34 के क्रॉसओवर पे आप फिल्टरिंग कीजिए कि जहां जहां स्टॉक जो है 8 मूविंग एवरेज 34 के ऊपर है, या फिर आप फटाफट स्टॉक स्क्रीनर, मैंने आपको बताया था फटाफट स्टॉक स्क्रीनर में आप ये देख सकते हैं कि जो भी स्टॉक जो है R1 के ऊपर चले गए हैं, तो वो आपको ये बता देगा कि R1 के ऊपर जो है अगर कोई किसी स्टॉक का प्राइस गया है, तो आपको उसके बाद उसको वॉच लिस्ट में डालना है, और ये देखना है कि वो क्या इस लेवल पे सस्टेन कर पा रहा है, क्या वो उस लेवल पे सस्टेन कर पा रहा है। दूसरी चीज, अगर निफ्टी बियरिश है, तो आपको ये देखना है S1 के नीचे जिनका प्राइस गया है, जिन स्टॉक्स का, वो वाले स्टॉक्स जो है S1 के नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं,
S1 के नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं या फिर उसमें बुलिश जो है रिवर्सल आने की उम्मीद है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने पड़ते हैं। और 9:15 बजे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिगनिंग में बिल्कुल भी मत कीजिए। मोमेंटम ट्रेड्स मैं कहना नहीं चाहूंगा। देखिए हम मैं भी जो है इंट्राडे में जब आपको कॉल्स देता हूँ तो काफी कॉल्स होती हैं मेरी जो मैं सुबह सुबह ही आपको दे देता हूँ। देखिए मैंने ये कॉल चेन्नई पेट्रो 9:22 पे दी थी आपको, और मैंने 352 पे बोला था 352 पे आप बाय कर लीजिए। और 352 के बाद देखिए पूरा दिन ये जूम करता रहा और अंदाजन 358 भी चला गया था। तो 356 पे मैंने बोल दिया था कि आप बुक कर लीजिए। 927 पे ही देखिए 927 पे ही इतनी अच्छी मूव आ गई थी 352 से 356। देखिए और 2% की मूव इंट्राडे में, और इससे ज्यादा क्या हम एक स्टॉक से एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो फुल टाइम आप ट्रेल कर सकते हैं ट्रेंड को। स्टॉप लॉस देखिए मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि स्टॉप लॉस हम कहाँ पे लगाएं। स्टॉप लॉस आपने लगाना है तो स्टॉप लॉस आप सुपर ट्रेंड के नीचे लगा सकते हैं। मैं बता देता हूँ 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ सुपर ट्रेंड को मैं प्लॉट करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये सुपर ट्रेंड होता है, आप यहाँ स्टडीज में जाएंगे, ये सुपर ट्रेंड होता है दोस्तों। और ये 7-3 या 7-7-3 का ले लीजिए दोस्तों, 7-3 का सुपर ट्रेंड लीजिए। जहां भी एंट्री लिया आप सुपर ट्रेंड के ऊपर ऊपर रखिए। अगर शॉर्ट की एंट्री है तो सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपकी लॉन्ग की एंट्री है, मान लीजिए लॉन्ग की एंट्री यहाँ से ली आपने, आपको स्टॉप लॉस जो है सुपर ट्रेंड के नीचे रखना है। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक्स होती हैं एंट्री की, लेकिन वो ट्रेड कितना चलेगा वो निफ्टी के ट्रेंड पे भी डिटरमाइन करता है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेड के बूस्टर्स और स्पॉइलर्स क्या होते हैं। कोई भी बंदा आपको अगर कह रहा है कि श्योर शॉट हम ट्रेड दे रहे हैं, तो देखिए वो कितना सच कह रहा है कितना झूठ कह रहा है, वो भी चीज मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि हर ट्रेड के कितने ट्रेड बूस्टर्स होते हैं, कितने ट्रेड के स्पॉइलर भी मौजूद होते हैं। तो श्योर शॉट कुछ भी नहीं होता मार्केट में, मार्केट है। तो इसमें मैंने आपको यही बताया कि मैं जो है देखिए धीरे धीरे आप जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आप सुबह सुबह भी ट्रेड्स अच्छे फाइंड कर पाएंगे 9:15 बजे। लेकिन अगर आपको 9:15 बजे ट्रेड करने हैं तो आपको मोमेंटम के ही ट्रेड मिलेंगे। मोमेंटम के ट्रेड ढूंढने की टेक्निक्स बहुत ज्यादा हैं, बहुत वास्ट हैं, जिसमें कि आपको पूरा जो है कैंडल्स के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, कैंडलस्टिक के इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स पे पकड़ होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन में देखना, एक कंटेक्स्ट में कैंडलस्टिक को देखना, ये चीजों पे आपको पकड़ बनानी है। उससे ही आप जो है अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। तो इसमें दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया, कुछ एनालिसिस किया है कि 9:15 बजे ट्रेड करते हैं तो क्या क्या सिनेरियोज होते हैं, क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं आपके सामने। तो इससे आपको देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बता दी हैं। अगर आप वो चीज आप देखेंगे इंट्राडे में, खुद एक्सपीरियंस करके देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ऐसे कैसे कैसे सिनेरियोज होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सिनेरियो आप पता कर पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए, सबकी हेल्प होगी, मुझे भी पता लगेगा कि ये वाला सिनेरियो भी इमर्ज हो सकता है उस पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।